हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, सपना हर कोई देखता है। कोई दिन में सपना देखता है तो कोई रात में सपना देखता है। आज हम आपको सपनों से जुड़े ऐसी अजीब फैक्ट के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आपकी नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिए गए बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सके। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कुछ फैक्ट हमारी ड्रीम्स के बारे में। दोस्तों, जब आप सपने देखते हो तब आपको वो सपना याद रहता है क्या? अगर रहता है तो वाह, आपकी दिमाग बहुत शार्प है। लेकिन आपको ये याद रहता है क्या कि वो सपना शुरू कहाँ से हुआ था? जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी ये बात याद नहीं रहेगा कि वो सपना शुरू कहाँ से हुआ था। जिसका IQ जितना ज़्यादा होगा उसे उतना ही ज़्यादा सपना आएगा। और अगर हम छोटे बच्चों के बारे में बात करें तो छोटे बच्चों को पहले 3-4 साल तक सपना नहीं आता है। दोस्तों, सपनों के ऊपर सबसे पहला किताब इजिप्ट में लिखी गई थी। ये लगभग 4000 ईसा पूर्व पहले लिखी गई थी। जन्म से अंधे लोगों को भी सपना आता है। वे अपने सपनों में सुगंध और दुर्गंध ही महसूस करते हैं या फिर उन्हें आवाज सुनाई देती है। दोस्तों, जब आप सपने देखते हैं तब आपके शरीर पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच जाता है और कुछ भी करने में असमर्थ होता है। कई बार तो आप हिल डुल भी नहीं पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि सब सच में हो रहा है पर असल में आप सपने देख रहे होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि दिमाग भी इंसानों के शरीर की तरह थक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सोते समय जागे हुए की तुलना में और ज्यादा तेजी से काम करते हैं। हमारा दिमाग कोई भी नया चेहरा नहीं बना सकता है, इसीलिए हम सपनों में उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनको हमने असल जिंदगी में देखा है। दोस्तों, जो लोग सपना नहीं देखते हैं उन्हें पर्सनालिटी डिसऑर्डर नामक बीमारी होती है। अगर आप किसी के बारे में जागे हुए भी सपना देखते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसे मिस कर रहे हो। जागने के 10 मिनट के अंदर हम 90% सपने को भूल जाते हैं। ये सच है ना? आपको याद रहता है क्या आपने क्या सपना देखे हो? मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्तों, बहुत से लोगों का मानना है कि सुबह के सपना सच होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जो सपने में देखते हैं वही भविष्य में घटित हो जाए। जब तक रंगीन TV नहीं आए थे तब अधिकतर लोगों को सपना भी ब्लैक एंड व्हाइट में ही आते थे। दोस्तों, कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है जिसे स्लीप वॉकिंग कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है। यदि सही समय पर ठीक से नींद ली जाए तो ये बीमारी होने की संभावना ना के बराबर होता है। जब हम कोई सपना देखते हैं तो उस समय हमको ये पता नहीं होता है कि हम जो देख रहे हैं वो सपना है। इसको लूसिड ड्रीम कहा जाता है। इस दुनिया में कुछ ऐसा लोग भी हैं जो लूसिड ड्रीम को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपने मर्जी से सपनों में उड़ना या टाइम ट्रेवल करना। दोस्तों, इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये सच है कि हम एक ही समय में या तो खराटे मार सकते हैं या फिर सपना देख सकते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी सपना देखते हैं। एक बार आपके पालतू जानवर को आप सोते हुए देखिए, यदि वो अपने पंजा हिला रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो सपना देख रहा है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी है जिनका आविष्कार सपनों की वजह से हुआ है। इलियास वे ने सिलाई मशीन की खोज
सपने में देख के ही की थी। उन्होंने अपने सपने में खुद को आदिवासी के कैद में देखा था जो उन्हें जलाने वाले थे। आदिवासियों ने अपने हथियारों को अजीब तरह से सील रहा था। इससे इलियास को सिलाई मशीन का तकनीक समझ में आ गई। सिलाई मशीन के अलावा ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी खोज सपनों की वजह से हुई थी, जैसे C6H6 का रासायनिक फॉर्मूला और DNA की खोज भी सपनों की वजह से ही हुए थे। सपने में आप कुछ भी पढ़ नहीं सकते, यहाँ तक कि सपने में दिखी गई घड़ी में समय देखना भी बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, सबसे लंबा सपना सुबह में आता है, लगभग 35 से 40 मिनट का एक सपना। हम सोते समय हर डेढ़ घंटे में एक सपना जरूर देखते हैं, लेकिन वो सपना हमको याद नहीं रहता है। एक व्यक्ति अपने जीवन में लगभग 6 साल सपना देखने में बिताता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे गंभीर से गंभीर सपना आने लगता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि रात में स्वप्न दोष हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हम नींद में कोई सेक्सी सपना देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वप्न दोष होने के बाद ही हमारी आंखें खुलती है, जबकि हमें पहले से पता होता है कि स्वप्न दोष हो रहा है। अगर समय समय पर हस्त मैथुन कर लिया जाए तो स्वप्न दोष होने की चांस कम होते हैं। रात में गर्म दूध पीने से इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप अचानक से किसी सपने से जाग गए हैं और वापस उस सपने को देखना चाहते हो, तो जल्दी से अपनी आंखें बंद करके सो जाइए, बिल्कुल सीधे होकर। बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सपना वहीं से शुरू हो जाएगा। ये तरीका हर बार काम नहीं करता है। दोस्तों, यही थे सपनों से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप इतने दूर आ गए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किए बिना कहीं मत जाइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो मत ही जाइएगा, क्योंकि इस फैमिली की किस्मत आपके हाथों में है। आप लोग जितनी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतनी ही जल्दी ये फैमिली बढ़ता रहेगा। ये सब आपके हाथों में है कि ये चैनल कितने दिन टिका रहता है। सो प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।